Assalamualaikum viewers, welcome to FAS Educational। इस वीडियो में हम बात करेंगे हर घर तिरंगा अभियान की। इस अभियान को शुरू करने का मकसद क्या है और कैसे हम इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा कौमी परचम के इस्तेमाल, नुमाइश और लहराने की हिदायत को समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, 15 अगस्त 2022 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने की याद में हर घर तिरंगा मुहिम शुरू की गई है। शहरियों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने के लिए और कौमी परचम के बारे में आगाही के लिए हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज हुकूमत हिंद की जानिब से किया गया है। इस मुहिम का बुनियादी मकसद हर हिंदुस्तानी को अपने घर में तिरंगा लहराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तरगीब देना है। हुकूमत की अपील है कि 13 से 15 अगस्त के दौरान अवाम की शिरकत के साथ 20 करोड़ से ज़्यादा घरों पर तिरंगा लहराया जाए। इसमें सरकारी और निजी इदारे भी शामिल होंगे। मरकजी हुकूमत ने हिंदुस्तान भर में झंडों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बहुत सारे इकदाम किए हैं। मुल्क के तमाम डाकखानों में 1 अगस्त 2022 से झंडों की फरोख्त शुरू हो गई हैं। इसके अलावा झंडों की फराहमी के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भी मदद ली गई है। चलिए देखते हैं आप इस मुहिम में कैसे शामिल हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील है कि हर घर में तिरंगा शामिल किया जाए, ये मुल्क के लिए फ़ख्र का लम्हा होगा। इस मुहिम में हिस्सा लेने के लिए हुकूमत ने harghartiranga.com ये वेबसाइट बनाई है। आप इस वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट डाउनलोड करके इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए उसके बाद फ्लैग कोड 2002 को समझेंगे। उसमें कौमी परचम से मुतालिक कौन कौन सी हिदायत शामिल की गई है। पहली हिदायत है, झंडा तिजारती मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूसरी हिदायत है, किसी शख्स या चीज़ को सलाम करने के लिए झंडा नहीं उतारा जाएगा। तीसरी हिदायत है, परचम को यूनिफॉर्म या लिबास के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चौथी हिदायत है, झंडा किसी इमारत को ढांपने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पाँचवीं हिदायत दी गई है, झंडे पर कोई इश्तहार या इत्तला नहीं लिखी जानी चाहिए। अगली हिदायत दी गई है, झंडा गाड़ी, ट्रेन, कश्ती, हवाई जहाज़ वगैरह की छत को ढांपने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके बाद कोई दूसरा झंडा हिंदुस्तानी परचम के ऊपर नहीं लहराया जाना चाहिए। आठवीं हिदायत है, किसी भी हालत में तिरंगा ज़मीन को नहीं छूना चाहिए। उसके बाद अब तिरंगा 24 घंटे लहराया जा सकता है। दसवीं हिदायत है, अब सूती, ऊन और रेशम की खादी से बने झंडों को लहराने की इजाज़त दे दी गई है। पहले इस तरह की इजाज़त नहीं थी। उसके बाद कोई भी शहरी किसी भी दिन परचम लहरा सकता है। झंडे की शक्ल मुस्ततील नहीं होनी चाहिए। आखिरी हिदायत दी गई है, ज़ाफ़रानी रंग को नीचे की तरफ मोड़कर झंडा बुलंद या लहराया नहीं जा सकता।